आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में। और आज चैनल के सेगमेंट स्टोरी टाइम में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो कहानी को आप अंत तक सुने, उसे लाभ उठाएं, अच्छी लगे तो अपने साथियों को शेयर जरूर करें। चैनल से आप जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया रेड कलर का, उसको दबाकर आप चैनल से जुड़ जाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक किसान जिसके पास 17 ऊंट थे और उसके 3 पुत्र थे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि किसान जिसके 3 पुत्र थे गुजर गया। गुजर जाने के बाद वो एक विल यानी कि एक वसीयत छोड़ कर गया। वसीयत में ये था कि हमारी जितनी भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो हमारे 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी जाए। लेकिन जो हमारे 17 ऊंट हैं उनको कुछ इस तरह बांटा जाए। किसान ऊंटों को रखता था और उन ऊंटों को वो रेंट पर देता था, किराए पर देता था, जिनसे माल या सवारी का कार्य लिया जाता था। तो उन ऊंटों को कुछ इस तरह बांटना था अपने 3 पुत्रों में। आप भी सोचिए, और इसका निष्कर्ष निकालने से पहले वीडियो को पॉज कर आप भी एक बार विचार करिए कि आखिरकार उन 17 ऊंटों को इन 3 बच्चों में इस तरह कैसे बांटा गया। तो उसकी शर्त थी यानी कि जो उसकी वसीयत थी उसमें लिखा था कि पहले बेटे को हमारे जो 17 ऊंट हैं उनके आधे ऊंट दे दिए जाएं, यानी कि 17 के आधे ऊंट बड़े बेटे को दे दिए जाएं। क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, ओड नंबर है। प्राइम यानी कि अभाज्य, जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। ओड यानी कि विषम, दो से काटी नहीं जा सकती। तो उन 17 ऊंटों को किस तरह आधे 17 के आधे ऊंट बड़े बेटे दूसरे बेटे को दिए जाने थे, उन ऊंटों का तिहाई हिस्सा यानी कि जितने ऊंट हैं उनका तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3 मझले बेटे को दे दिए जाए। तीसरे बेटे के लिए शर्त थी कि उन ऊंटों का 9वां हिस्सा 1/9 यानी कि तीसरे बेटे को दे दिए जाए। बेटे असमंजस में पड़ गए कि आखिरकार इन ऊंटों को कैसे बांटा जाए। फिर वो तीनों गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचे, जिसे गांव के सभी लोग बुद्धिमान मानते थे, अपनी सभी समस्याओं का निस्तारण उस व्यक्ति से कराते थे। वो तीनों उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा कि इन हमारे 17 ऊंटों को हमारे भाइयों में इस तरह बांट दिया जाए। व्यक्ति बुद्धिमान था, उसने क्या किया कि अपने जो उसके पास एक ऊंट था उन 17 ऊंटों में जोड़ दिया यानी कि ऐड कर दिया, और उसको अब 18 ऊंट यानी कि उसके पास अब 18 ऊंट हो गए। 18 ऊंट में आधे यानी कि 9 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए, 18 के तिहाई 1/3 यानी कि 6 ऊंट मझले बेटे को दे दिए, 18 का 9वां हिस्सा यानी कि 9 × 9 = 2 ऊंट छोटे बेटे को दे दिए। और इस तरह 9, 6, 15, 2, 17 ऊंट वसीयत के अनुसार बांट दिए गए। तीनों बेटे खुशी खुशी अपने घर अपना हिस्सा लेकर वापस आ गए। साथियों, बुद्धिमानी का कहीं पेड़ नहीं लगता है, ये जमीन पर ग्राउंड स्तर पर होती है, जमीनी स्तर पर होती है, हम सभी के बीच होती है, हम सब में होती है, बसरते सही समय पर उसका प्रयोग किया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।